अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैर करिए। मुझे बहुत ज़्यादा दिल मेरा टूटा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा इंतहाई दुख में हूँ मैं। क्यों दुख में मैं आपको बताता हूँ आगे चाह। दुख में मैं इसलिए हूँ क्योंकि अभी ये मैंने अपने कपड़े धोए हैं, ठीक है। ये तीन शर्ट्स हैं, एक दो तीन शर्ट्स हैं, तीन शलवारें हैं मेरी, ठीक है। एक ट्राउज़र है और एक ब्लैक पैंट है। मुझे उम्मीद थी कि ये जो काली पैंट है उसका कलर गिरेगा, इसका जो रंग है वो गिरेगा ही गिरेगा, मुझे ये उम्मीद बहुत ज़्यादा। लेकिन इसका कलर नहीं गिरा, इसका कलर नहीं गिरा, हुआ गया। ये शर्ट है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट थी, जो कि मैंने 1300 रुपए की ली है, इतनी महंगी। और ये सात शर्ट है और एक साथ ये शर्ट है, ठीक है। ये दोनों शर्ट हैं इतनी महंगी नहीं है, ये 300 की है, ये भी 300 की है, लेकिन ये 1300 रुपये की शर्ट है। और ये जो अच्छी कंपनी की है, मतलब ब्रांड शर्ट में लेके आया था, इतनी महंगी मैं ख़रीदता नहीं होता, लेकिन ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका रंग गिरा है, साफ लगाएं आप, इसका रंग जो है वो गिरा है, उसका सबूत मैंने रखा हुआ है अपने पास। चेक करें, ब्राउन कलर। और जब इस शर्ट का रंग गिरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि यार इतनी मैंने महंगी चीज़ परचेज़ की और मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे इससे ये तवक्का नहीं थी, इससे तवक्का थी कि यार इसका कलर गिरेगा। लेकिन वो शॉप वाले जो भाई थे वो मुझे गारंटी दे रहे थे कि यार कलर नहीं गिरेगा, कलर नहीं गिरेगा। तो लेकिन मेरे एक जहन में था यार ब्लैक कलर गिरेगा ही गिरेगा। उसकी वजह क्योंकि जब मैंने ब्लैक शर्ट लगा, तो वाली ब्लैक शर्ट, ठीक है, जब मैंने ब्लैक शर्ट ले किया तो इस शर्ट का जो भाई थे वो कह रहे थे कि रंग नहीं गिरेगा, लेकिन इसका भी रंग गिर गया, ब्लैक शर्ट का भी रंग गिरा। तो उसके बाद मुझे ब्लैक से जो है वो इतनी उम्मीद नहीं है कि यार ब्लैक का रंग नहीं गिरेगा, गिरता ही गिरता है, बहुत कम होता है, लेकिन इसका नहीं गिरा, बड़ी बात है। लेकिन जब उस शर्ट का गिरा ना, जब उस शर्ट का गिरा तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। पर मैं जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लगी है, कपड़े धो रहा था अपने सारे, सारे कपड़े मैंने अभी धोए, ये खाना गिरा था अपने। ये जी हमारे प्यारे मिठू, और आजकल हमारे और मिठू की लाड़ियाँ पता है किस तरह होती है, किस तरह होती हैं। मेरा मिठू, मेरा मिठू, ओ मेरा मिठू, मेरा मिठू, मेरा प्यारा मिठू, मेरा प्यारा, खोनो खोए खाना खाए मिठू, तो खोनो खोए खाना खाए, नहीं खाया खाना खाया, नहीं खाया खाना खाया, नहीं खाया मेरे मिठू, खोनो खोया नहीं खाया खाना खाया। मुझे भूख लगी है तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। मिठू को भी पिंजरे में बंद करते हैं। मिठू 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 के पार बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये उड़ नहीं रहा, पता नहीं उड़ उड़ क्यों नहीं रहा भाई। उड़ा करना उड़ा करना उड़ा करना उड़ा करना। यहाँ पे चावल गर्म हो रहे हैं और यहाँ पे बन रही है चिप्स, तो चिप्स रेडी हो जाए फिर मैंने चावल डालते हैं प्याले में, तो फिर खाते हैं खाना। हाँ जी, तो सब कुछ रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें आप, चावल है, चिप्स है, प्याज है, सारा कुछ मैंने प्याले में डाल लिया, लेमन भी है। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा दही है, बाकी पानी है। और बहुत ज़्यादा गम में हूँ, इतना ज़्यादा गम में किसी याद को ही नहीं है, शर्ट का रंग गिर गया यार। ऐसा होता है कभी? यकीन नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मेरी शर्ट का रंग गिर चुका है। और यहाँ पे देखिए हमने एक लाइट लगाई है येलो वाली, बाकी तीन एनर्जी सेवर लगे हुए हैं इस कमरे में, अच्छी खासी रोशनी है, लेकिन येलो रंग का वो शेड नहीं था। तो वो शेड देने के लिए मैंने इस कमरे में, ये देखिए ऊपर, येलो कलर की वार्म लाइट लगाई है LED। और ये सीलिंग लाइट है, वैसे तार साथ लगा के यहाँ पे लगा दी है, और ज़बरदस्त मामला रेडी हो गए हैं। पंखा भी मैंने बंद किया है ऊपर, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पे हम जो है वो खाने के मज़े लेंगे, और अपने गम को दूर करने के लिए हम जो है वो साहिल अदीम साहब जो है उनको सुनेंगे। साहिल अदीम इज़ माई फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर, और उनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ साहिल अदीम को, और साथ साथ बहुत सुनूँगा, साथ साथ खाना खाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो मैंने खा लिया है, लेकिन खाना खा के नींद आ गई है, और अच्छी खासी जो सुस्ती हो रही है, तो चाय साथ पी रहा हूँ मैं। पत्ती तेज़ डाल दी है, बाकी ठीक है, चाय पत्ती तेज़ है।
बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, और दुख में मैंने खाना खाया क्योंकि शर्ट का रंग गिर गया। उम्मीद नहीं थी लेकिन गिर गया, क्या करें। दरअसल कुछ दिन पहले ना मैंने शॉपिंग की और मेरे पास पेंटें नहीं थी, मैंने पेंटें परचेज़ की। ये आप देख सकते हैं, ये पेंट है मेरे पास ब्लू कलर की, जो बहुत मज़े की पेंट है। ये मैंने परचेज़ की और एक ब्लैक कलर में परचेज़ की, और एक बेवकूफ़ी ये की कि मैं शर्ट ले आया, इतनी महंगी मैं शर्ट लेके आ गया हूँ। और मैं खुद को इस बात पर बेवकूफ़ कहूँगा कि यार इतनी महंगी शर्ट लेने की क्या ज़रूरत थी मुझे, मैंने पेंट क्यों ली। रंग ना गिरता तो एक अलग बात थी, लेकिन उसका रंग गिर गया तो ये बात मेरे मैं दुखी हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि उसने कहा था यार रंग नहीं गिरेगा, तो ये वो नहीं, तो रंग नहीं गिरेगा, लेकिन रंग गिर गया। पेंटें मेरे पास नहीं थी, तो एक ये वाली पेंट में लेके आया ब्लू कलर में, एक ब्लैक में लेके आया, और एक शर्ट। काश मैं शर्ट की जगह भी पेंट ले आता तो तीन पेंटें हो जाती, तो वो ज़्यादा बेहतर रहते मामला। हाँ जी, मेरे जो होने वाले साला जी हैं, ये उनका सिस्टम है CPU, और वो कह रहे थे कि कुछ मसला हुआ था, चल नहीं रहा था, तो उन्होंने सारा खोल के धोया था, तो प्रोसेसर वाली जगह में कुछ पिनें वगैरह टूटी हैं, तो अभी मैं खोल के चेक करता हूँ क्या हिसाब किताब है। ये मेरे पास CPU है और ये CPU है, और इस चीज़ को भी मैं खोलने लगा हूँ क्योंकि इसके नीचे जो है वो प्रोसेसर होता है। ये चीज़ हमने उतार ली है, तो अभी इस चीज़ को मैं खोलने लगा हूँ। ये खुल गया और ये प्रोसेसर अभी हम निकालेंगे। तो ये आ गया प्रोसेसर, इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये वाली जगह है वो कह रहा था जिसने ब्रश वगैरह से धुआ था, दांतों वाले ब्रश से वॉश किया है, तो ये जो चीज़ है ना ये यहाँ से डैमेज हो गई है, ये कोने से। तो ये पत्नियाँ जो है वो ठीक होना यहाँ से एक नामुमकिन सी बात है, हो सकती है, लेकिन पत्री दरअसल टूट बोध गई है। उनकी जो चूंज है ऊपर वाली, मैं जूम करके मोबाइल पे देखता हूँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो खर्चा जो है वो खुल चुका है सारा जी के लिए, और अब उनको जो है वो एक नया सिस्टम लेना पड़ेगा अपने लिए। तो जब ये नहीं चल रहा था तो वो उस वक्त मेरे पास ले आते, तो शायद मैं कुछ अपने सिस्टम की रैम वगैरह डाल के चेक करके या प्रोसेसर चेंज करके या और चीज़ें जो चेंज हो सकती थी करके अपने सिस्टम की लगा के देख सकता था कि सिस्टम में क्या ख़राबी है। लेकिन जब उन्होंने वॉश किया तो पिनें जो हैं वो प्रोसेसर वाली जगह पे टूट गई हैं, और अभी ये पिनें तो मैं नहीं लगा सकता, तो अभी इसको दोबारा हम ऑन कर देते हैं और ब्लॉग को मेंड करते हैं। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और अभी मगरिब भी होने वाली है, और अपनी शादी से रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट दूंगा कि कब मेरी शादी है और कितने दिन रह गए हैं, क्या हिसाब किताब है, सारा कुछ। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और शुक्रिया आप सब लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।